I am back. Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to my YouTube channel, Luddu Official. और yes, वापस आ गए. ये टी-शर्ट मैंने खरीदा था जब चैनल अपना गया था, मतलब हैक हुआ था तब. और मैं ये आसरा लगा के बैठा था कि जल्दी से जल्दी चैनल मिल जाएगा. और ये टी-शर्ट मैंने खरीदा था ताकि ये मैं पहन के पहला वीडियो बनाऊंगा. और काफी समय लग गया, तो डिटेल में बात करते हैं. यस, ये जो टी शर्ट है ये मैंने इस दिन के लिए खरीदा था. आई एम बैक. तो अभी पूरे डिटेल में मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि आप लोग इतने दिनों के बाद भी आप लोग अभी तक जुड़े हुए हो चैनल के साथ, तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. 11 अगस्त 2019 को मुझे एक मेल आया. मुझे पता नहीं था कि ये फिशिंग मेल होता है. वो एग्जैक्टली YouTube के जैसा दिखने वाला मेल आईडी था, बट मैंने उतने डिटेल में देखा नहीं. मैं आपको ये दिखाता हूँ कि किस नाम से कैसे मेल आया था. तेरह अगस्त को मैंने उस मेल का रिप्लाई किया, जो कि था दो दिन बाद. और 14 अगस्त 2019 को मुझे गूगल की तरफ से मेल आता है, यू आर नो लॉन्गर ओनर ऑफ लुड्डू ऑफिशियल, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल था. इसका मतलब मैं उस चैनल का अब ओनर नहीं रहा. 13 तारीख को मैंने यूट्यूब को बता दिया ऐसे ऐसे हुआ है. यूट्यूब की तरफ से मुझे मेल आया वापस से 14 तारीख को कि आपका केस हम ये लेते हैं, ये केस हमने क्रिएट कर दिया है और इसके ऊपर काम हम शुरू कर देंगे. तो आपको जितना जल्दी हो सके हम उतना जल्दी आपका चैनल हम वापस देने की कोशिश करेंगे. दो तीन दिन रुकने के बाद कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया. तो फिर मैंने ये बात किया शुक्ला जी से. शुक्ला जी इज वन ऑफ माई फ्रेंड. तो मैंने उनसे बात किया भी, शुक्ला जी ऐसे ऐसे हो गया अपने चैनल के साथ. उन्होंने बोला मेल पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बट हमें क्या करना चाहिए, यूट्यूब का जो हेल्प साइट है वहां पे जाके ये रेस करना चाहिए. तो 14 या 15 तारीख को मैंने वो टिकट रेस किया था. 14 तारीख को शायद वो टिकट रेस किया था यूट्यूब के हेल्प साइट पे, जहां पे मुझे तुरंत रेस्पॉन्स आने लगा. और साइड बाय साइड 15 अगस्त को मैंने यूट्यूब का जो टीम है ट्विटर पे उनको भी इन्फॉर्म कर दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है. तो वो लोग भी साइड बाय साइड काम करने लगे. तो ये सब मेल का मतलब आना जाना, ट्विटर पे रिप्लाई वगैरह, ये सब 26 दिसंबर तक चला. और 14 जनवरी 2020 को मुझे ट्विटर की तरफ से लास्ट रिप्लाई आया था. उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया. जब मेरा चैनल हैक हुआ था 13 तारीख को, तो मैं काफी डिमोटिवेट हो गया था और मुझे यूट्यूब में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था. बट कुछ लोग हैं, एक दो लोग, जैसे कुलदीप, अबा कुलदीप, इन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया और कहा कि नहीं आप दूसरा चैनल शुरू करो जब तक वो चैनल मिलता नहीं है. बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था. तो मैंने 25 अगस्त 2019 को दूसरा चैनल शुरू कर दिया था. और वहां पे मैंने पहला वीडियो बनाया था कि मेरा चैनल हैक हो गया है, इसीलिए मैं ये चैनल नया बनाया हूँ. तो उस पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था. बट तो उस चैनल पे कोई इंटरेस्ट नहीं बचा था मुझे, क्योंकि मैं हर दिन एक एक वीडियो अपलोड करते जा रहा था. ना ही उन वीडियो का कुछ प्रमोशन किया, ना ही कहीं व्हाट्सअप स्टेटस, ना ही फेसबुक पे कहीं पोस्ट, कुछ भी नहीं किया मैंने. बस ऐसे ही सब लोगों ने ये किया कि हाँ ठीक है, ऐसे करना चाहिए, आपने गिव अप नहीं करना चाहिए. तो मैं डिमोटिवेट वैसे ही, मतलब जैसे वो मन से एक निकल जाता ना, मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि नहीं, आप लोग समझ गए होंगे मेरी फीलिंग्स. तो मैं अपलोड करते गया उस चैनल पे सारा वीडियो एक के बाद एक, किसी पे 20 व्यूज, किसी पे 40 व्यूज, किसी पे 30 व्यूज, किसी पे 50 व्यूज. अब जाके उस चैनल पे थोड़े मतलब व्यूज आने लगे हैं, 450 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और 30-40 हज़ार टोटल व्यूज आ गए हैं. तब वो चैनल अच्छा कर रहा है. खैर, ये तो रहा इस नए वाला चैनल बनाने की बात. आते हैं इस चैनल पे वापस. 11 अक्टूबर 2019 से लेके 12 मार्च 2020 तक मुझे हर रोज कम से कम 30 से 35 कॉपीराइट्स के मेल आते थे. कॉपीराइट के मेल इसलिए बिकॉज हमारे जो हैकर साहब है या कौन है पता नहीं, उन्होंने 5 से 6 दिनों में 5000 से ज्यादा वीडियो अपलोड कर दिए थे और 3 गेमिंग का लाइव स्ट्रीम चला रहे थे. भाई साहब कैसे चला रहे थे या कौन थे पता नहीं. जो हैक हुआ था वो वियतनाम से हुआ था, बिकॉज जो भी वीडियो अपलोड हो रहे थे वो वियतनामीज लैंग्वेज में थे. तो 5000 से ज्यादा वीडियो अपलोड हो गया था और सारे वीडियोस पे कॉपीराइट. उन भाई साहब ने क्या किया, चैनल पे मेरे सारे वीडियोस डिलीट कर दिए, मेरा ओनरशिप चेंज कर दिया, जो मेल आईडी लिंक रहता है वो मेल आईडी चेंज कर दिया, जो एडसेंस लिंक रहता है यूट्यूब के साथ वो गूगल अकाउंट का जो एडसेंस रहता है वो चेंज कर दिया. मतलब उसने चैनल का पूरा कोरा कागज कर दिया था, ब्लैंक पेपर कर दिया था. उसके बाद उसने अपना वीडियो डालना शुरू किया. मैं आपको दिखा भी देता हूँ उसने किस किस तरह का वीडियो डाला था और एक दो इमेज भी दिखा दूंगा मैं कि उसने नाम कैसे चैनल का एक के बाद एक नाम चेंज किया था.
YouTube ने क्या किया था, YouTube ने तुरंत उससे चैनल, जब जैसे ही मैंने कंप्लेन किया तो YouTube ने वेरीफाई करके कि मैं सच बोल रहा हूँ या फिर मेरा क्लेम जो भी है वो सच्चा है, तो उन्होंने वेरीफाई करके हैकर से तो चैनल ले लिया पूरा मेरा, बट वहां से मिलने में मुझे इतना समय लग गया, YouTube से मिलने में मुझे इतना समय लग गया, बिकॉज बहुत सारा कॉपीराइट था, कम से कम 5000 प्लस वीडियोस थे वो डिलीट करना था उनको, बहुत 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 तमाशा हो गया था इस चैनल के साथ, कम से कम 4,500 या 5,000 तो कॉपीराइट थे, आप इतने से अंदाजा लगा लो। तो चैनल मिलना या ना मिलना तो मेरे हाथों में नहीं था, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि कभी ना कभी तो मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा, बिकॉज इतने मेहनत से मैंने काम किया, इतने आसानी से नहीं जाना चाहिए। तो चैनल मिलना या ना मिलना तो अपने हाथों में नहीं है, बट होप लगाए रखना या छोड़ देना वो अपने हाथों में है, जो कि मैंने छोड़ा नहीं था। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 9 महीने के बाद मुझे मेल आता है और चैनल का ओनरशिप मुझे मिलता है 10 मई 2020 को, मतलब कुछ दिन पहले मेल आता है कि आपका चैनल आपको वापस मिल गया है, यू आर द ओनर ऑफ योर चैनल, और जितने भी सब्सक्राइबर्स मैंने गेन किए थे इन दिनों में, सब्सक्राइबर्स सब वैसे के वैसे ही थे, कुछ कुछ कम हुए हैं और कुछ 1,000-1,500 शायद वो हैकर की वजह से बढ़ गए हैं, जो कि YouTube के मेल में था कि वो मतलब वो कम हो सकते हैं, बिकॉज वो चाइनीज, वो वियतनामीज, जापानीज, ये स्पीकिंग लैंग्वेज के लोग हैं, तो उनको मैं हिंदी में वीडियो अपलोड करूंगा तो समझेगा, नहीं तो ऑब्वियसली वो अनसब्सक्राइब करके जाएंगे। बट मेरे जितने मैंने सब्सक्राइबर्स कमाए थे इतने दिनों में, वो सबके सब वैसे ही है, कुछ 50-100 सिर्फ कम हुए हैं, जो कि ऑब्वियसली 9 महीने से कुछ वीडियो अपलोड नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं इस चैनल पे, तो लोग छोड़ के जाएंगे ही। तो 9 महीने के बाद इतने दिनों से पाला हुआ मेरा बच्चा ऑब्वियसली 9 महीने के बाद आया तो ऐसे ही बोल सकते हैं, तो वापस मिला है मुझे। अब धीरे धीरे एक एक करके, आप लोगों ने ये सारे वीडियो देखा ही होगा, वो सारे वीडियो मैं एक एक करके वापस इस चैनल पे डालूंगा, वहां पे भी 450 लोग जुड़ चुके हैं और काफी 30-40 हज़ार व्यूज आ चुके हैं उस चैनल पे, तो उसको भी बंद करना कोई ये नहीं रहेगा, तो देखते हैं उस चैनल का क्या करेंगे, बट प्राइमरी जो चैनल है वो वापस से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एंड आई विल बी अपलोडिंग रेगुलर वीडियोस हियर। तो आप सभी को हाथ जोड़ के शुक्रिया कहना चाहता हूं कि इतने दिनों से आप लोग जुड़े थे अभी तक, 9 महीने बिना कुछ एक्टिविटी के, इट मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एंटरटेन करते रहूं ऐसे ही जैसे आप लोग जुड़े थे, जो वीडियोस देख के आप जुड़े थे इस चैनल के साथ। हाँ, और क्या बोलूं, थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग बैक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन ग्रासियस, नमस्ते समलिरा, बाय बाय, टेक केयर।